हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में आपको दिखाया था हमारे बालेश्वर का कॉन्वेंट स्कूल लाइन का गणेश पूजा, आपको सब कुछ दिखाया था। बाकी आज आपको दिखाने वाला हूँ हमारे बालेश्वर में सब एरिया वाइज जहाँ पर होता है वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि अभी रात हो गया है, देखते जितना भी होगा आपको दिखाएंगे। उससे पहले हमारे क्लब का आप थोड़ा सा देख लीजिए कैसा किया डेकोरेशन हुआ है, और गणेश जी को भी दर्शन कर लीजिए कैसा किया हुआ है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ऐसा कुछ हमारे क्लब का डेकोरेशन बना हुआ है, देख सकते हो। और ये तो आपको फर्स्ट दिन प्रिपरेशन के दिन दिखाया था। और ऐसे कुछ यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो एक पोस्टर भी लगा हुआ है, क्लब फ्रेंड्स फॉरएवर। हमारे क्लब में कैसा बना हुआ है थोड़ा सा आप कमेंट सेक्शन में बताना कैसा हुआ है। और ये आप देख सकते हो ब्लू के ऊपर गोल्डन डिजाइन है। तो अभी चलते हैं, जितना भी एरिया वाइज सब हुआ है आपको दिखाते हैं एक एक करके। तो अभी मैं आ चुका हूँ हमारे बकेटर एरिया में, यहाँ पर पहले हम रहते थे, और यहाँ पर दिखाते हैं कैसा क्या हुआ है। तो अभी मैं आया हूँ रिद्धि सिद्धि क्लब बटेश्वर में, और इसी एरिया में हम लोग पहले रहते थे। और यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा अभी चुमकी लगा रहे, बाकी ऐसा कुछ बना हुआ है देख सकते हो। तो अभी मैं आ चुका हूँ हमारे बटेश्वर एरिया में, वहाँ पर तो एक हुआ है आपको दिखा है, और यहाँ पर भी एक हुआ है, यहाँ पर लालबाग की राजा देख सकते हो। चलते हैं अंदर आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो मैं अभी आया हूँ मानसिंह बाजार एरिया में, और देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। तो अभी मैं आ चुका हूँ मोटसाई एरिया में, आप देख सकते हो पंडाल कैसा बना हुआ है। या बॉक्स में जो देख रहे हो गोलगप्पे, गोलगप्पे पानी पूरी आपके शहरों में जो भी बोलते हैं, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा। पास में जाके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गोलगप्पे रखा हुआ है ये ओरिजिनल है, वो जो पापड़ टाइप का आता है उसी टाइप का है। मुझे पहले लगा ये डुप्लीकेट प्लास्टिक का होगा, लेकिन ये ओरिजिनल है, बॉक्स में है, इसीलिए एक एक तो सुकुट चुका है। इनका जो पंडाल है 62 ईयर्स का है। तो अभी मैं आ चुका हूँ खुरीसाई एरिया में, और आगे आईटी स्क्वायर, और यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा लाइट गेट बना हुआ है। रात का टाइम हो रहा है 11:30, इसलिए थोड़ा सा खाली हो चुका है रास्ता, और आप देख सकते हो दोनों साइड लाइट, वाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलते हैं, ऐसा कुछ पंडाल है, चलते हैं अंदर। और इस क्लब का इस बार चल रहा है सिल्वर जुबली, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 25 ईयर सिल्वर जुबली फकीर मोहन नगर, और इसलिए इतना खूबसूरत सा पंडाल और लाइट भी आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लाइट सब लगा हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हो खूबसूरत सा पंडाल। तो अभी मैं आ चुका हूँ आईटीआई स्क्वायर, ये आप देख सकते हो आईटीआई स्क्वायर, और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल बना हुआ है, आप देख सकते हो उधर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर जो आप मूर्ति देख रहे हो ये काला जीरा से बना हुआ है, काला जीरा और साबूदाना से बना हुआ है ये मूर्ति, आप देख सकते हो। गणेश जी का जितना भी सब है सब काला जीरा, और नंदी महाराज का साबूदाना का,
देखते इधर लिखा भी हुआ है, उड़िया में लिखा हुआ है काला जीरा एवं साबूदाना। और यहाँ पर आप लड्डू देखिए कितना बड़ा है लड्डू, इधर एक है इधर एक है, दो लड्डू है। और जो मूसक राज है वो भी काला जीरा से बना हुआ है, आप देख सकते हो डिटेलिंग। और आप नंदी महाराज का भी देखिए साबूदाना से बना हुआ है, और गणेश जी का काला जीरा से। यहाँ पर ओडिया में लिखा भी हुआ है काला जीरा और साबूदाना, ताकि बहुत ही खूबसूरत सा मूर्ति बना हुआ है गणेश जी का। और यहाँ पर कुछ फोटोस पॉइंट बना हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो रिक्शा ये सब बना हुआ है, बच्चे लोग यहाँ पर फोटो क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ पर भी एक फोटोस पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर भी एक फोटोस पॉइंट बना हुआ है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अगले जगह पे। अभी आ चुका हूँ पोड़ा पोदा एरिया में, और यहाँ पर देख सकते हो बहुत खूबसूरत सा लाइटिंग है। पहुंच चुका हूँ हमारे बालेश्वर का सबसे पुराना क्लब लोरी क्लब में, ताकि यहाँ पर दिल्ली का जो लोटस टेंपल है उसी टाइप का पंडाल बना हुआ है। ये आप देख सकते हो दिल्ली में जो लोटस टेंपल है उसी टाइप का सेम पंडाल बना हुआ है। चुका हूँ आजिमाबाद एरिया में, और आप देख सकते हो यहाँ पर एक बाय और ऐसे कुछ लाइट। तो अभी हम आ चुके हैं डुमकॉप मोतीगंज एरिया में। हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर, तू परमेश्वर, तू के अभी चले आए हैं हमारे क्लब के पास। अभी रात में जो भी है आपको दिखाया, क्योंकि अभी रात का टाइम है, थोड़ा सा क्राउड भी कम हो चुका है और बारिश भी गिर रहा है, इसलिए थोड़ा सा क्राउड कम हो चुका है, इसलिए जो भी है आपको दिखाया थोड़ा बहुत। फिलहाल अभी हूँ हमारे क्लब के पास, और इसके बाद जाएंगे थोड़ा सा कॉन्वेंट स्कूल लाइन में, और कॉन्वेंट स्कूल लाइन का कल है विसर्जन, तो वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको आज का क्राउड कैसा है। अभी रात का टाइम हो चुका है, जानता हूँ थोड़ा सा क्राउड कम हो चुका है, जाते हैं वहाँ पर, एक दो दोस्त भी है वहाँ पर, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे उसके बाद आएंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ सुहेलपुर, और यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है, और बड़ा भी देखिए कितना बड़ा है। तो मैं अभी आ चुका हूँ टाउन हॉल पैराडाइज क्लब, चलते हैं अंदर आपको दिखाते हैं अच्छे से। अभी मैं आ चुका हूँ सिनेमा स्क्वायर पे, और यहाँ पर देख सकते हो ये वाला आपको दिखाई नहीं था, मैं रोज जाता हूँ इस तरफ ड्यूटी, लेकिन आपको ये वाला आपको दिखाई नहीं था, देख लीजिए थोड़ा सा दर्शन भी कर लीजिए। तो अभी मैं आया हूँ कॉन्वेंट स्कूल लाइन में, और यहाँ पर कल विसर्जन है, अभी जितना भी सब गणेश मूर्ति है सब उठाया जाएगा, दिखाते हैं आपको। अभी देखिए जोरों शोरों से बारिश हो रहा है, और बारिश रुकने के बाद थोड़ा सा आपको जाके दिखाऊंगा उस तरफ, देखिए जोरों शोरों से बारिश हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रैक्टर लग चुका है, अभी कुछ देर के बाद गणेश जी को उठाया जाएगा,
ताकि यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्लब अभी उठ चुका है। तो अभी रात का टाइम हो रहा है 1:30 और रात का टाइम में यहाँ पर माहौल देखिए और क्राउड देखिए कैसा क्या है। और यहाँ पर देख सकते हो ट्रैक्टर लग चुका है, लोगों का अभी जिस चीज लग चुका है आप देख सकते हो, अभी गणेश जी को उठाया जा रहा है देख सकते हो, जिस लग चुका है और इधर ट्रैक्टर भी लग चुका है। इधर तो ट्रैक्टर में गणेश जी को उठा दिया है आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी देख सकते हो भाई लोगों का सब रेडी हो चुका है विसर्जन के लिए। और भी यहाँ पर ट्रैक्टर बहुत सारा लगा हुआ है आप देख सकते हो, सामने ट्रैक्टर सब कुछ लगा हुआ है, जल्द से जल्द निकलने वाले हैं क्योंकि सुबह लाइन भी देना है, लाइन दे के जाएंगे सब एक एक करके। और इनका जो क्लब का डेकोरेशन आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन किया गया था। और अभी बारिश बहुत जोर शोरों से हो रहा है इसलिए भगवान जी को अभी पानी से थोड़ा सा ढक दिए। और यहाँ पर देख सकते हो सब एक एक करके ट्रैक्टर लग रहा है और यहाँ पर भी उठाया जा रहा है। और यहाँ पर भी देख सकते हो ट्रैक्टर लग चुका है और यहाँ पर उठाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो सब ट्रैक्टर लग रहा है एक एक करके। और भी यहाँ पर बहुत सारा है, बाद में सब उठाएंगे। बाकी ऐसे ही कुछ हमारे बालेश्वर का गणेश पूजा होता है। आज का ब्लॉग में आपको दिखाया था हमारे बालेश्वर में जितना भी एरिया वाइज सब है वहाँ पर सब कुछ आपको दिखाया। बाकी कॉन्वेंट स्कूल लाइन का तो ब्लॉग मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप अगर नहीं देखे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। अभी चल रहा है कॉन्वेंट स्कूल लाइन का विसर्जन का तैयारी। बाकी ये तक कुछ आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो बाय, गुड नाइट।